जैम से दिशा रहे नो आइए आज वचन कर रहे हैं शुरू। दूसरा सैमुएल ओदा दूसरा अध्याय और दी एक कायत मैं पढ़ूंगा। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा के प्रदेश में किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में जा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हाडना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें, वचन पढ़े गए पे आशीष करें, सौ गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। अब तक प्रभु जी दाऊद के विषय में प्रभु जी बात कर रहे थे, प्रभु जी आपने सहायता और मदद की है। प्रभु जी उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जितने वचन गए बोले गए हैं प्रभु जी, उसे सौ गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। एक एक के जीवन को बदले प्रभु जी, और प्रभु जी एंकरेज करें, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी सहायता और मदद करें। मेरी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा सामिल दूसरा अध्याय एक तो लैके सात तक ही ध्यान करने वाले हैं, और फिर दूसरा सामिल पांच अध्याय एक तो लैके अही 13 तक ध्यान करने वाले हैं। मेरे को समय बहुत थोड़ा ही गा, इस करके मैं इको आयत नू पढ़िया वा तो ही पूरे अध्याय नू पढ़ सकते जी। ये वचन दे विच पहली आयत विच लिखिया वा, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, मतलब एदे बाद दाऊद ने यहोवा नू यहोवा परमेश्वर नू पुकारिया और प्रार्थना की और पूछिया कि मैं यूदा दे कोई देश विच जावा या ना जावा। परमेश्वर नू पूछन दिया वा दाऊद, परमेश्वर ने उन्हें आख्या कि जा तो यहूदियां दे देश विच जा, वापस जा। फिर तो दाऊद फिर तो पूछन दिया वगा परमेश्वर नू, मैं जे जावांगा यहूदियां दे देश विच ते उत्थे जाके केड़े देश विच केड़े शहर च केड़े पिंड विच जाके रवां? ते परमेश्वर ने उन्हें आख्या कि जाके हेब्रोन विच रह। ओ भैणो और भाओ, दाऊद ये प्रार्थना क्यों परमेश्वर को करन दिया है? क्योंकि दाऊद अपने देश इजराइल दे विच नहीं, वो पराए देश मतलब कि पलस्तियां दे देश विच रहन दिया है। पलस्तियां दे देश विच दाऊद क्यों चल गया है? क्योंकि उन्हों डर ही दाऊद नू, जे मैं किते इजराइल देश विच रहूँगा ते किते ना किते कोई ना कोई एक दिन शाऊल राजे ने मैनू लब लेना वा और मार देना वा। इस करके अपनियां दो पत्नियां नू लै के और अपने सैनिकां नू लै के पराए देश विच रहन दिया पिया है दाऊद। ओ भैणो भरावो, जो पराए देश विच रहन दिया हैगा उदो एक सुसमाचार दाऊद नू मिलिया कि हुण शाऊल राजे दी मौत हो गई आ, उहदे नाल उहदे बच्चे भी मारे गए आ, योनातान भी मारा गया वा। ओ भैणो और भाओ, सानू सारियां नू पता वागा कि शाऊल जिहड़ा वा सब तो वड्डा दुश्मन जिहड़ा ही दाऊद दा हैगा, और दाऊद नू मारना चाहुंदा हैगा, और दाऊद शाऊल दे डर दे मारे ही वो अपने देश नू छड़ के चल भी गया ही। पर जदो शाऊल दाऊद नू ये सुसमाचार मिलिया कि शाऊल और उहदे बच्चे मारे गए आ, ते दाऊद ने दुख विखा लिया और रोण डै पिया और अपनी कपड़े पाड़ के रोया, वचन विच लिखिया वा। ओ भैण और भाओ, उहदे बाद दाऊद ने परमेश्वर नू पुछिया कि मैं यहूदियां दे देश विच किते जावां? परमेश्वर परमेश्वर उहनू आंदा, जा तू मैं तेरे नाल आ। किहड़े देश विच जावां दाऊद ने पुछिया, ते दाऊद नू परमेश्वर आंदा कि हेब्रोन दे विच जाके रह। जदो वह हेब्रोन देश विच अपने दो पत्नियां नू और अपने सैनिकां नू और उन्हां दे सारे परिवार नू दाऊद फिर अपने देश विच वापस लौट आया हैगा 1.5 साल दे
बाद विच ओ भैणों और भराओ फिर जो दाविद वापस आ गया अपने देश विच उदों एक सुसमाचार दाविद नूं मिलिया कि कुछ कई लोग ही गए जिन्हां ने शौल नूं मिट्टी दित्ती हैगी। ओ भैणों और भराओ युद्ध होया हैगा पर शौल जिहड़ा ही मर गया ही अपनी तलवार ते खुद डेग के और लोगों को उन्हें मदद मंगी हैगी कि मैं अपनी तलवार ते डिगा वा पर हजे तक मेरी मौत नहीं हुई। इस तरह की मौत जड़ी ही शौल राजे दी हुई ही कि शत्रु आए उदा सिर वड के अपने शहर विच चल गए पर उदी लोत नू उत्थे सुट के उदे न्याणे दे उत्थे ही लाशां नू छुट के चल गए हैगे। ओ भैणो और भराओ लाशां लवारिस पईआं हैगीआं पर कुछ लोग जिहड़े उत्थों दे आउण जाने वाले लोग ही गए उन्होंने वेख्या ये तो शौल राजे की लोत आ उहदे बच्चियां दी लोत आ इस करके उन्हां दीआं लाशां नू चुकिया उन्होंने और साड़ दिता और उहदे बाद उहदी हड्डियां नू लै के जाके उन्होंने गड्ढ दिता। ओ भैणो और भराओ गड्ढ दे बाद वो अपने शहर विच वापस चल गए पर ये समाचार जिहड़ा ही दाविद नू हेब्रोन विच आउण दे बाद मिलिया कि शौल दी जिहड़ी लाश नू लोकां ने लै के फूक के उहदी हड्डियां नू जला के और उन्हूं फिर तो गाड़ दिता वगा इस करके दाविद ने उन्होंने याद किया और अपने सैनिकां नू कलाया उन्हां को और क्या कि जाओ उन्हां नू जाके आशीष दो जिन्हां ने शौल राजे दी इन्नी इज्जत कीती हैगी। ओ भैणो और भराओ दाविद ने उन्हां नू सैनिकां नू कला के उन्हां नू कहा कि जाओ उन्हां को जिन्हां ने शौल दी मदद कीती आ उन्हूं दफनाया वगा उहदे को जाके आशीष दो उन्हां नू आखो कि यहोवा परमेश्वर जिहड़ा वा तुहाडे जिहड़ा उपकार आ कदी भी नहीं भुलूगा और हमेशा परमेश्वर दी आशीष जिहड़ी आ तुहाडे नाल रहूगी और तुहाडे परिवार दे नाल रहूगी और मैं भी इस चीज़ नू हमेशा याद रखूँगा और मेरी मदद भी हमेशा तुहाडे नाल होगी करके दाविद ओ लोकां नू आशीष देण डिया वा। ओ भैणो और भराओ इस वचन दे द्वारा परमेश्वर हाडे नाल गल करन डिया वा हाडा जीवन कितना दा वा और अही कितना जींदे आगे। ओ भैणो और भराओ इहदा मतलब ये आ कि सानू परमेश्वर दे जिहड़े चुने हुए होंदे आ जिहड़े अभिषेक किते होंदे आगे उन्हां दी हमेशा मदद करनी चाहीदी हैगी उन्हां दा सहारा बनना चाहीदा वा उन्हां दी मुश्किलां विच उन्हां दे हालातां विच भी उन्हां दे नाल रहना चाहीदा वा। जे अही परमेश्वर दे चुने हुए दासां दी मदद करांगे ते इहदा मतलब ए आ कि परमेश्वर हमेशा ओ आशीष नू साडे विच रखदा वागा और दाविद आखण डिया वा उन्हां नू कि मैं भी ये नहीं भुलूंगा तुही अपने शौल राजे नू मिट्टी दित्ती हैगी क्योंकि उहदी लाश जिहड़ी ही लवारिस पई हैगी परमेश्वर भी ये कदी भी नहीं भुलूगा और मैं भी ये कदी भी नहीं भुलूगा। परमेश्वर दी आशीष ते तुहाडे नाल रहूगी मेरा साथ भी तुहाडे नाल हमेशा रहेगा। ओ भैणो और भराओ कदी कदी सानू पता लगदा वा जिहड़े परमेश्वर दे चुने हुए दास हुंदे हैगे जिहदा अभिषेक परमेश्वर ने किया वागा वो मुसीबत विच आ दुख और तकलीफ विच आगे जो सानू पता लगता वा तो कई लोग आ के उन्हां दी मदद कर देंदे आगे पर कदी कदी लोग जिहड़े आ मदद नहीं करते वो सोचते आगे ये तो परमेश्वर दा दास आ इहनू तो परमेश्वर ने चुनिया वागा पर इहदे कम जिहड़े आ चंगे नहीं आ ये कदी भी परमेश्वर दे इच्छा ते नहीं चलिया अपनी इच्छा ते चलदा रहिंदा वा ये परमेश्वर दा दास हो ही नहीं सकदा करके लोग की मदद करना जिहड़ा वा बंद कर दिंदे आ। ओ भैणो और भराओ परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा कि वह जिहड़े परमेश्वर दे दास हुंदे आ जिन्हां नू परमेश्वर ने चुनिया वा उन्हां दा जीवन भाएं कितना भी क्यों ना होए पर सानू हमेशा
वचन दी सुननी चाहिए आ, परमेश्वर दी माननी चाहिए आ, और उन्हां दी मदद करनी चाहिए आ। ओ भैणो और भराओ, शाऊल भी हमेशा दाविद दा दुश्मन बनया हीगा, पर फिर भी दाविद नू जदों पता लगा कि शाऊल राजा मर गया वगा, वो अपने कपड़े पाड़ के रोया हीगा शाऊल राजे वाहती। ओ भैणो और भराओ, इस तरह का जीवन जिहड़ा है दाविद दा है। ओ भैणो और भराओ, और हानू ये नहीं सोचना कि वह दास परमेश्वर दा वा, उहदे कम नहीं चंगे, उहदियां गल्लां नहीं चंगियां, उहदा कोई भी करैक्टर नहीं गा चंगा, इह तों ही कोई भी लेना देना नहीं आ। हाडा बस इको एक काम आ कि परमेश्वर दे दास जे कितें वह मुश्किल विच आ, परेशानी विच आ, या उन्हां दे घर विच किसे दी मौत हो गई आ, ते अही उहदी मदद करनी चाहिए आ। ओ भैण और भराओ, शाऊल दे हत्या हो गई ही, युद्ध विच हार गया हीगा, उहदी लाश जिहड़ी लवारिस पई ही, उहदे बच्चे भी लवारिस पए ही गए, पर जिहड़े जान आउण वाले लोग ही उन्होंने वेख्या यह तो शाऊल राजा वा, ये तो उहदे न्याणे आ, इस करके उन्होंने जाके उन्हू मिट्टी दिती। पर उन्होंने ये नहीं पता कि ये करन दे बाद उन्होंने आशीष मिलेगी, इस करके उन्होंने ये नहीं सोचा, वो तो चुप चाप करके चल गए ही गए। पर बाद विच दाविद ने उन्होंने याद रखिया और उन्होंने आशीष दिती, उन्होंने आख्या कि तू ही ताडे नाल परमेश्वर रहूगा, परमेश्वर ताडे नाल रहूगा, ताडे नाल रहूगा, ताडे बच्चों के नाल रहूगा, हमेशा परमेश्वर का साथ ताडे नाल रहूगा, और मैं भी हमेशा ताडे नाल रहूँगा ताडी हर एक दुख और तकलीफां दे नाल। ओ भैण और भराओ, अनजाने विच ओ लोकां ने मदद की ही, शाऊल नू मिट्टी दिती ही, पर परमेश्वर ने भुलिया और दाविद भी नहीं भुलिया। इस वचन तो परमेश्वर हाडे नाल गल करन डिया वा कि ताडा और मेरा जीवन कितना वा, अही कितना जीण डे आ, हाडा सुभाव कितना दा वा, अही परमेश्वर दे दासां दी मदद करने आ या नहीं करने आ। हानू पता वा सारियां नू कि इन्हां दी मुसीबत बहुत आ, पर फिर भी अखी अगे नहीं वधदे, क्योंकि अही उन्हां दे कैरेक्टर नू वेख के मदद करने आ। ओ भैण और भराओ, जे कोई किसी दी मदद करनी आ ते परमेश्वर दे प्यार दे नाल करनी आ, उन्हां दे कैरेक्टर नू वेख के नहीं करनी। ओ भैण और भराओ, पर दाविद ने परमेश्वर नू पुछिया कि मैं हैब्रोन जावां, ते परमेश्वर ने आख्या ठीक आ, तू हैब्रोन विच वापस आ जा। ओ भैण और भराओ, दाविद वापस अपनी दो पत्नियां दे नाल, अपने सैनिकां दे नाल और उन्हां दे परिवार दे नाल वापस हैब्रोन आया, और सब तो पहले उन्हें आके याद किया शाऊल दी लोत नू जिन्हां ने मिट्टी दिती ही। ओ भैण और भराओ, दाविद ये सब नहीं ही भुलिया। ओ भैण और भराओ, जदों यहूदियां ने वेख्या कि हुण साडा कोई राजा नहीं हैगा, नौ ते राजा मर गया वा, ते सारे दे सारे यहूदी कट्ठे होए, वड्डे लोग भी कट्ठे होए, उन्होंने फिर तो दाविद दा अभिषेक किया और उन्हूं राजा बनाया यहूदियां दे उत्ते। ओ भैण और भराओ, 7 साल तक हैब्रोन दे विच राज्य करता रहा दाविद, और 7 साल तक उन्हां दा राजा बनिया रहा और उन्हां दी अगवाई करता रहा। ओ भैण और भराओ, 7 साल जदों बीत गए तो उहदे बाद सारे इजराइली जिहड़े ही जिहड़े वड्डे लोग इजराइल दे ही गए, ये सारे लोग फिर तो इकट्ठे हैब्रोन आए दाविद को, और दाविद नू आके आंदे कि दाविद तेरा परमेश्वर और हाडा परमेश्वर भी इको ही आ, तेरा सृष्टिकर्ता और हाडा सृष्टिकर्ता भी इको ही आ। जदों हाडे उत्ते शाऊल राज्य करता हैगा, पर वो ते राजा ही, पर हाडा अगवा हानू चलाउण वाला ते तू ही हाँ, तिन्नू परमेश्वर ने चुनिया वा कि तू राजा बने और सारे इजराइलियां दा भी राजा बने और हाडे अगे हो के हानू मार्गदर्शन दिखाए। ओ भैण और भराओ, ते सारे इजराइलियां ने मिल के 7 साल दे बाद फिर तो दाविद दा फिर तो अभिषेक किया और वह सारे इजराइलियां दा राजा बन गया।
ओ भैन और भराओ, पहले यहूदा दे देश विच आया, यहूदिया ने अभिषेक किया, 7 साल तक उन्हों का राजा बनिया रहा। फिर इजराइली भी आए, इजराइलिया ने आके भी दाविद का अभिषेक किया और दाविद सारे इजराइलिया का राजा बन गया। ओ भैन और भराओ, दाविद नू परमेश्वर ने राजा क्यों बनाया हैगा? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से चलता हैगा। परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा कि दाविद जड़ा ही परमेश्वर दे मन दे अनुसार जड़ा ही चलदा ही और उतना ही वो करदा हैगा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू हड़ना सारे ना गल करन दिया वा। जड़ा राह हैगा, जड़ा राजा बनन दा जड़ा सफर हैगा, ये दाविद दा जड़ा ही आसान नहीं ही, बड़ा ही मुश्किलों के नाल और दुख के नाल भरिया होया उहदा जीवन हैगा। ओ भैन और भराओ, 14 और 15 साल तक दाविद ने मुसीबत चुकी, जंगलों में घूमता रहा, फिरता रहा और अपनी जान जड़ी ही शौल तो बचाउंदा ही रहा। ओ भैन और भराओ, कई परीक्षा नू पास किया फिर जाके दाविद राजा बनिया। ये नहीं होया कि परमेश्वर ने उन्हें चुनिया और वो सिर के उत्ते तेल पा के वह अभिषेक किया तो सीधा दे सीधा राजा बन गया। ओ भैन और भराओ, दाविद ने कई परीक्षा नू पास किया हैगा, इस करके वो राजा बनिया ही और हर एक परीक्षा दे विच वो पास होया ही। ओ भैन और भराओ, एक बार दाविद दे जीवन दे बारे विच वेखने आ, जो दाविद छोटा होया, छोटा बच्चे तो लैके 14-15 साल तक अपने घर विच रहिंदा हैगा, वो ते भेड़ां दा रखवाला हैगा और सवेरे रोटी खांदा ही, दोपहर नू रोटी खांदा ही, रात नू रोटी खांदा ही और रमान ना सौं जांदा ही, अपने भरावां दे नाल और अपने पिता दे नाल अपने घर विच रहिंदा ही। उहदे जीवन जिहड़ा ही बड़ा ही साफ चलन दिया ही, ना ही कोई दुख और ना ही कोई तकलीफ हैगी उहनू। पर जदों परमेश्वर ने उहनू चुनिया, जदों परमेश्वर ने उहदा अभिषेक किया, उदों तो उहदियां मुसीबतां जिहड़ियां ही शुरू हो गईयां ही, दुख और तकलीफ। पहली मुसीबत जिहड़ी उहदे सिर ते आई ही उह ही गोलियात, पर उहने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया और गोलियात नू भी हरा दिता। ओ भैन और भराओ, दूसरी मुसीबत उहदे सिर ते उत्ते आई ही गई, शाउल राजा खुद उह भी उहदा हमेशा पिछा करदा रहा और उन्हों मारन की कोशिश करता रहा, पर फिर भी उन्हें परमेश्वर के उत्ते विश्वास रखिया और अगे वधदा रहा। जो परमेश्वर वो नाल नहीं, जो वह अभिषेक नहीं होया, उदो वह जीवन बड़ा खुशी के नाल जीन रहा है, पर जो उन्हों परमेश्वर ने चुनिया, जो परमेश्वर ने वह अभिषेक किया, उदो तो वह जीवन जड़ा ही पूरा दा पूरा बदल गया, दुख दे नाल पर गया। ओ भैन और भराओ, हर एक दुख और मुसीबत विच उन्हें परमेश्वर दी महिमा कीती और उहदा आदर किया और परमेश्वर हमेशा उहदे नाल हैगा। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर दा जिहड़ा काम करना वा, जिहड़ी परमेश्वर दी सेवा करनी आ, इह कोई आसान काम नहीं आ कि एवें ही चल गए तो परमेश्वर का काम हो गया। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर का जे काम करना वा तो सच्चाई दे नाल करना वा और हर एक परीक्षा नू पास करना वा। ओ भैन और भराओ, कदी कदी जो साडे जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह नहीं हैगा, आउण तो पहलों साडा जीवन कितना हैगा? आई सवेरे उठने हाँ, रोटी खाने हाँ, ड्यूटी नू जाने हाँ, वापस आने हाँ, रोटी खाने हाँ, सौ जाने हाँ, बड़ा ही खुश हैगा, सब कुछ ना सिर देते करजा हैगा और ना ही कभी कोई भी दुख और तकलीफ भी, और घर का किराया भी दिने हाँ, बच्चों की फीस भी दिने हाँ, रोटी खाने की कोई भी तंगी नहीं गई। जो साडे जीवन दे विच परमेश्वर नहीं हैगा, अही बड़े आराम दे नाल और सुख दे नाल रहने हैं गए, पर जो साडे जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह आया, जो साडे जीवन नू परमेश्वर ने
आ के चुनिया और उन्हें सानू अपने काम वास्ते चुनिया और उन्हें जो साडा अभिषेक किया उदों साडियां मुसीबत की हो जांदियां वध जांदियां वा। ओ भैण और भरा उदों तो खाण की तंगी हो जाती है, रहन की तंगी हो जाती है, पैसे की भी तंगी हो जाती है और बच्चों की स्कूल की फीस देने दे भी तंगी हो जाती है। हर एक मुसीबत जी हाडे जीवन दे विच आ जाती है और फिर कई लोग सोचते हैं जो मैं परमेश्वर के उत्ते विश्वास नहीं करता उदों मेरा जीवन बड़ा ही सौखा हैगा, बड़ा अरमान दे नाल मैं रहना हैगा, सब कुछ खाना हाँ, सब कुछ मैनू मिलता हैगा, अपने न्याणियों की फीस भी दिना हाँ। पर जो तो परमेश्वर का काम करना मैं शुरू कर दिता वा उदों दियां मेरिया मुसीबत जड़ियाँ वधदियां जांदियां, अपने घर भी मेरिया मुसीबत ही आ गई, जिहड़ी मंडली विच मैं जाना वा उत्थे भी मुसीबत ही आ, जिथे घर दे आस पड़ोस में जिथे रहना वा उत्थे दे लोग भी मेरे वास्ते मुसीबत ही पाल दे आ। पर कदी कदी मुसीबतां नू वेख के कई लोकी परमेश्वर दे काम नू छड्ड दिंदे आ और वापस अपनी जिंदगी दे विच वापस चल जांदे आ। ओ भैण और भरा जे ताडे जीवन दे विच भी मुसीबत और दुख और तकलीफ आ तुही परमेश्वर नू जानन दे बाद प्रभु यीशु मसीह नू पाउन दे बाद ते इहदा मतलब ए आ कि परमेश्वर ने तुहानू चुनिया वा। जे तुहाडे जीवन दे विच भी दुख और तकलीफ इतरां चलन डिया वा, तुहाडे शत्रु ज़्यादा हो गए, तुहानू मारन वाले ज़्यादा हो गए, तुहाडा कोई नुकसान करन वाले ज़्यादा लोग हो गए, तो इहदा मतलब ए आ कि परमेश्वर ने तुहानू चुनिया वा। ओ भैण और भरा एक वारी दाविद नू भी याद कर लियो कि दाविद ने भी कितरां दी मुसीबतां विचों बाहर निकलिया हैगा। ओ भैण और भरा हर एक मुसीबत दे विचों उन्हें परमेश्वर नू याद किया और परीक्षा जड़ी पास की। ओ भैण और भरा अज परमेश्वर इस वचन दे नाल हाडे नाल गल करन दिया वा, ताडा और मेरा जीवन कि तरह का वा। जो हाडे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं ही उदो सब कुछ सौखा हैगा, पर जो प्रभु यीशु मसीह हाडे जीवन में आ गया सब कुछ औखा हो गया। ओ भैण और भरा दाविद नू भी एक याद करके वेखो कि जो परमेश्वर ने उन्हें चुनिया ही उदो तो वो जीवन दे विच मुसीबत शुरू हो गई ही। 14 और 15 साल तक जंगलों में घूमता रहा, अपनी पत्नी तो दूर, अपने भरावों तो दूर, अपने घर तो दूर, ना ही खाण वास्ते, ना ही पीण वास्ते, ना ही कुछ पाउण वास्ते, पर फिर भी उन्हें परमेश्वर नू नहीं छड्या, परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया। उन्हें हर एक समय दे विच परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया, दुखां दे दिनां विच भी उन्हें परमेश्वर नू याद किया, जदों सुख दे दिन उहदे जीवन दे विच आए उदों भी उन्हें परमेश्वर नू याद किया। ओ भैण और भराओ ताडा और मेरा जीवन कि तरह का वा, हाडा और ताडा विश्वास कि तरह का वा। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल हाडे नाल गल करन दिया वा। ओ भैण और भराओ 14 और 15 साल तक दाविद ने परीक्षा दिती और फिर वो पास होया, फिर वो राजा बनया। पहलो यहूदियां दा राजा बनिया, 7 साल तक यहूदियां दे उत्ते राज किया, फिर वो इजराइलियां दा राजा बनिया, 40 साल तक राज्य करता रहा। ओ भैण और भरा जही भी थोड़े दिन तक परमेश्वर दे नाल मुसीबत चुकांगे, दुख और तकलीफ दे नाल भी परमेश्वर दे नाल जुड़े रहांगे थोड़े दिन तक, फिर परमेश्वर जड़ा हाडे जीवन नू जड़ा वा सफल करूगा और आसान करूगा। ओ भैण और भरा दाविद ने भी 14-15 साल तक उन्हें भी अपनी विश्वास दी परीक्षा दिती ही, उहदे बाद विच वी उह जाके राजा बनिया ही, लोकां ने आके उहनू राजा चुनिया ही, इजराइलियां ने आके उहनां नू राजा चुनिया हैगा और 40 साल तक राज्य करदा रहा ही। ओ भैण और भरा जही भी परमेश्वर दे उत्ते विश्वास आखरी तक रखांगे ते वचन विच लिखिया वा कि जीवन दा जिहड़ा मुकट हैगा परमेश्वर उन्नू ही दऊगा। जही आखरी दम तक विश्वास करांगे परमेश्वर दे उत्ते ते परमेश्वर जीवन दा मुकट जिहड़ा वा वो उस वेले सानू दऊगा। ओ भैण और भरा 40 साल तक राज्य करदा रहा दाविद, उहदा जीवन जिहड़ा है
40 साल तक बड़ा ही आराम नाल गुजरिया। भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल हड़े नाल सारे ना गल करन दिया वा। लोकी आए दाविद को, उहदे वास्ते घर बनाया दाविद वास्ते। इस तों पहलो दाविद 14-15 साल दे तक जंगलों में रहा, टेंट ला ला के जिंदा रहा, पर जो राजा बनया परमेश्वर ने उन्होंने एक पक्का घर दिता और अपने घर दे विच रहन लग पिया। जो यरूशलेम विच वापस आया वो हर एक काम परमेश्वर को पुछ के करता है, परमेश्वर वो नाल हुंदा है, हर एक काम जड़ा है दाविद दा सफल हुंदा हैगा। और सारे लोग परमेश्वर की महिमा करते ही और दाविद की बड़ाई करते ही गए। ओ भैन और भ्राओ, सारे दे सामने परमेश्वर ने दाविद नू उच्चा किया और उदा मान मर्यादा की। ओ भैन और भ्राओ, दाविद ने भी हर मुसीबत विच, हर एक दुख दे विच भी परमेश्वर नू याद किया, सुख दे विच भी परमेश्वर नू याद किया, परमेश्वर की महिमा की। इस करके परमेश्वर ने भी दाविद दा आदर किया और उन्हों राजा बना दिता। ओ भैन और भ्राओ, राजा बनन दा जिहड़ा सफर हैगा ये आसान नहीं, ये बड़ा ही मुश्किल दा समय ही। 14-15 साल तक अपनी वो परीक्षा जंगल दे विच दिंदा रहा, शौल उहदा पिछा करदा रहा उन्हों मारन वास्ते। पर कदी भी दाविद ने ये नहीं आख्या कि मैनू नहीं चाहिए ये राज, मैनू नहीं चाहिए ये अभिषेक, मैं नहीं करना परमेश्वर का काम, मैं उदो ही चंगा हाँ जो परमेश्वर का काम नहीं करता। ओ भैन और भ्राओ, पर दाविद ने परमेश्वर के उत्ते विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे नाल आ और हमेशा मैनू अगे लैके जाऊगा। ओ भैन और भ्राओ, इस वचन के नाल परमेश्वर साढ़े नाल गल करन दिया वा। जे तुसीं भी विश्वास करोगे या परीक्षा की घड़ी में भी तुसीं विश्वास करोगे कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे नाल आ, तो मैनू कोई हरा नहीं सकता। तो भैन और भ्राओ, जे तुसीं भी परीक्षा नू पास करोगे तो जीवन का जिहड़ा मुकट आ वह परमेश्वर दूगा। ताडे जिहड़े हालात जिहड़े हुण विगड़े होए आ वह भी परमेश्वर उस टाइम नू आके वह सब कुछ ठीक कर दूगा। ओ भैन और भ्राओ, दाविद ने 14-15 साल तक परीक्षा दिती हैगी अपनी विश्वास दी और बाद विच वो जाके राजा बनया है। जेड़ा दाविद दा जेड़ा परमेश्वर ही वह अज हाडा भी ओहो ही परमेश्वर आ। जे दाविद ने जितना विश्वास किया है, जे इतना अही भी विश्वास करांगे तो हाडे नाल भी इतना ही रहूगा परमेश्वर जितना वह दाविद दे नाल ही, जितना दाविद नू राजा बनाया और टनू भी वो राजा बनाऊगा। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू सारिआं नू आशीष दे। परमेश्वर जो परीक्षा की घड़ी आउंदी आ सानू सारिआं नू दाविद वर्गा विश्वास दे। परमेश्वर इस वचन दे नाल 100 गुना फल लाउण दी सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू सारिआं नू पवित्र आत्मा दे नाल भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।